नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिवराज सिंह। ऐसे सीरीज में रविवार को एक और रोमांचक मुकाबला देखने को मिला, जहां इंग्लैंड ने जैसे तैसे कर अपनी एक और हार को टाल दिया। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच सीरीज का चौथा टेस्ट मैच रविवार को ड्रॉ पर छूटा। सिडनी टेस्ट के पांचवें दिन हर एक ओवर के बाद मैच रोमांचक मोड़ लेता गया। आखिरी ओवर ने तो क्रिकेट फैंस के साथ ही खिलाड़ियों की भी सांसें थाम दी। आखिरी ओवर में इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टॉक मैच नहीं देख पाए, वो अपनी आंखें बंद कर बैठ गए, जिसके बाद उनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए सिर्फ एक विकेट की दरकार थी, लेकिन इंग्लिश टीम 9 विकेट गंवाने के बाद भी मैच को बचाने में कामयाब रही। स्टुअर्ट ब्रॉड और जेम्स एंडरसन ने कंगारुओं की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। दोनों ने इंग्लैंड की इज्जत को बचा लिया। हालांकि मैच के आखिरी ओवर में इंग्लैंड के खिलाड़ियों की सांसें थम सी गईं। जैक लीच के 9वें विकेट के रूप में आउट होने के बाद स्टुअर्ट ब्रॉड और जेम्स एंडरसन ने आखिरी के 2 ओवर खेलकर मैच को ड्रॉ करवाया। इस दौरान उनके टीम के साथी बेन स्टॉक्स इतना ज़्यादा नर्वस हो गए थे कि वो मैच नहीं देख सके और अपनी आँखें और अपना मुँह ढक कर बैठ गए। बता दें कि इंग्लैंड टीम ऐसे सीरीज पहले ही गंवा चुकी है। इंग्लैंड टीम सीरीज में 3-0 से पीछे है। पहले 3 मैच हारने के बाद जो रूट की कप्तानी पर सवाल उठाए जाने लगे थे, इंग्लैंड फैंस जमकर अपने खिलाड़ियों को ट्रॉल कर रहे थे। अलग सिडनी में खेले गए चौथे टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने जिस अंदाज से ऑस्ट्रेलिया के हाथों से जीत छीन कर अपनी वापसी के संकेत दिए हैं, उसके बाद इंग्लैंड टीम के खिलाड़ियों का मनोबल जरूर बढ़ेगा। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को जीत के लिए 388 रनों का लक्ष्य दिया था। मैच की चौथी पारी में इतना बड़ा लक्ष्य हासिल करना आसान नहीं था। लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया इस मैच को भी जीत लेगा। हालांकि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज 9 विकेट भी निकाल ले गए, लेकिन 1 विकेट नहीं ले पाए। इंग्लैंड ने 9 विकेट पर 270 रन बनाकर मैच को ड्रॉ करा लिया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।